बाद क्लब हाउस ऐप मामले में भी 3 लोगों की गिरफ्तारी, महिलाओं के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप। ऑडियो चैट एप्लीकेशन क्लब हाउस ऐप पर महिलाओं को लेकर की गई गलत टिप्पणी के मामले में मुंबई पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई की साइबर पुलिस की तरफ से आरोपियों के नाम आकाश, जेशनव और यश पाराशर बताया गया है। पुलिस ने बताया कि हरियाणा के करनाल से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। 2 अन्य आरोपियों को फरीदाबाद से उठाया गया है और उनके ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया जारी है। ये जो 2 रूम्स क्रिएट की गई थी, ये एक 16 जनवरी को क्रिएट की थी और एक 19 जनवरी को क्रिएट की थी। इसमें आकाश नाम का जो आरोपी है, जिसे करनाल से अरेस्ट किया है, वो मॉडरेटर था और इसमें काफ़ी संख्या में पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें कि कुछ लोग बहुत ही अश्लील प्रकार की भाषा और डेरोगेटरी टू विमेन, इस टाइप का चर्चा उस पॉडकास्ट में, उस वर्चुअल चैट रूम में डिस्कशन हो रहा था। नॉर्मली अभी तक हमने जो एक्टिव पार्टिसिपेंट था, जो गलत भाषा का, असभ्य भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, उनको हमने आरोपी किया हुआ है। बाकी काफ़ी लोग थे जो म्यूट पार्टिसिपेंट्स थे, तो उनको अभी तक आरोपी नहीं बनाया। एक मुंबई पुलिस में, BKC साइबर पुलिस स्टेशन में एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ है, जिसमें क्लब हाउस नाम का एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है, जहां पर एक वर्चुअल रूम में महिलाओं से संबंधित बहुत अश्लील प्रकार की असभ्य भाषा का उपयोग और बहुत घृणास्पद ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ है, जिससे आहत होके एक कंप्लेनेंट मुंबई पुलिस को अप्रोच हुई और उनका एक ऑफेंस यहाँ पर रजिस्टर हुआ है। टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ये चैट में जो भी सक्रिय पार्टिसिपेंट्स थे, उनको खोज के निकाला है और इसमें के जो 3 मुख्य आरोपी हैं, उसमें से एक को करनाल हरियाणा से अरेस्ट किया है, उसकी 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली हुई है और 2 लोग फरीदाबाद से उठाए गए हैं, उनको फरीदाबाद कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया हुआ है। इसमें ये जो एक मुंबई पुलिस में, BKC साइबर पुलिस स्टेशन में एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ है, जिसमें क्लब हाउस नाम का एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है, जहां पर एक वर्चुअल रूम में महिलाओं से संबंधित बहुत अश्लील प्रकार की असभ्य भाषा का उपयोग और बहुत घृणास्पद ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ है, जिससे आहत होके एक कंप्लेनेंट मुंबई पुलिस को अप्रोच हुई और उनका एक ऑफेंस यहाँ पर रजिस्टर हुआ है। टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ये चैट में जो भी सक्रिय पार्टिसिपेंट्स थे, उनको खोज के निकाला है और इसमें के जो 3 मुख्य आरोपी हैं, उसमें से एक को करनाल हरियाणा से अरेस्ट किया है, उसकी 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली हुई है और 2 लोग फरीदाबाद से उठाए गए हैं, उनको
फरीदाबाद कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया हुआ है। इसमें ये जो पार्टिसिपेंट्स थे इनके डिफरेंट लॉगिन क्रेडेंशियल्स थे, जैसे कीरा एच एक्स डी नाम का जो बंदा है, जो ये आईडी यूज करने वाला बंदा था, आकाश करके, उसको करनाल से पिकअप किया है, और जो दो बाकी जैष्णव करके है, जैष्णव कक्कड़ और यश कुमार पराशर, इनको फरीदाबाद से पिकअप करके अभी फरीदाबाद के कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया हुआ है। इनके जो कई वर्चुअल रूम्स जो क्लब हाउस नामक प्लेटफॉर्म के ऊपर, ऐप के ऊपर जो बनाए गए थे, जिसमें इस प्रकार की अश्लील और विभत्स चर्चा उसमें कर रहे थे, तो उसका कंटेंट मैं यहाँ पर बताना अवॉइड करूँगा, बट उसमें कुछ महिलाओं के बॉडी पार्ट्स ऑक्शन कर रहे थे और बहुत ही गंदी चीज़ें का उसमें डिस्कशन हो रहा था। तो मुंबई पुलिस का जो अप्रोच है कि डिग्निटी ऑफ वीमेन, सिक्योरिटी एंड सोशल स्टेटस ऑफ वीमेन, इसका जो हमारा हमेशा अप्रोच रहा है, उसके मद्देनज़र इस प्रकार की कार्रवाई साइबर पुलिस स्टेशन बीकेसी ने की हुई है।